कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की आमला विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट से पार्टी ने मनोज मालवीय को टिकट दिया है। इस सीट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। अब 230 विधानसभा में से कांग्रेस ने सभी 230 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद विरोध हो रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस से टिकट पाने में नाकाम रहे आकांक्षी प्रत्याशियों के समर्थकों ने रविवार को राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दोनों दलों ने इस नाराजगी को तूल नहीं देने की कोशिश की है। बीजेपी ने 17 नवंबर को 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब तक 228 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गुना और विदिशा सीट का ऐलान अभी बीजेपी ने नहीं किया है। बता दें, आमला बैतूल जिले का वो इलाका है जहां से मध्य प्रदेश सरकार की अधिकारी निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती थी। क्योंकि अभी निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, इस कारण उनके चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ था। कहा जा रहा था जिस तरह से निशा बांगरे के आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने किया है, वो पार्टी की आधिकारिक प्रत्याशी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन शिवराज सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। अपने इस्तीफे को मंजूर करवाने के लिए निशा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे के मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट को जल्द फैसला करने को कहा है। संभावना थी कि नामांकन की अवधि खत्म होने से पहले इस पर कोई फैसला आ जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अब इस सीट से मनोज मालवीय को टिकट दे दिया है।